संध्या का समय है, शाम का समय है, ये चैनल हमारा सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको वो दिखाते हैं जो कोई नहीं दिखाता। गांव में बहुत सारे कुत्ते होते हैं, कुत्ते की जगह कहाँ होती है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गांव में कुत्ते घूमते हैं, कहाँ घूमते हैं, कहाँ रहते हैं, तो चलो आज मैं आपको यही दिखाता हूँ कि कुत्ते की जगह कहाँ होती है। शुवान बोलते हैं इसको, कुत्ते होते हैं गाँव में, गलियों में, मोहल्लों में। ये देखिए कुत्ते जो है ना, कुत्ते की जगह घर के बाहर होती है। कुत्ता दरवेश होता है, घर के बाहर बैठा रहता है। कोई रोटी डालता है तो घर के बाहर ही डालता है उसे खाने के लिए। लेकिन कुत्ते की जगह जो प्रभु ने बनाई थी, परमात्मा ने बनाई थी, वो चौकीदार, एक दरवेश, घर के बाहर चौकट पर बैठे रहने वाला एक श्वान जो कुत्ता था, डॉगी था। लेकिन आज हम लोगों ने उसे अपने बेड पर बैठा लिया है। लोगों की सोच बदली, जिसकी जगह घर के दरबार तलहीज पर थी, घर के बाहर थी, उसे हमने आज अपने बेडरूम में अपने साथ सुलवाना शुरू कर दिया। कभी आपने देखा है, जब भी किसी ने बोरी उठाई होती है, कोई गांव में नया आदमी आता है तो कुत्ते उसे भौंकने लग जाते हैं, क्योंकि कुत्ते का काम था चौकीदारी करना। ये देखिए घर के बाहर किसने कुछ खाने के लिए डाला और ये खाने लग गए। भैया कहता, भैया तू पीछे हट जा, ये माल मेरा है। क्योंकि ये घर घर घूमते हैं, गांव में गली गली जाते हैं, मोहल्ले में जाते हैं। ये अब देखिए मिला इसे खाने के लिए एक को, वो कहता तू क्यों आया आगे, मैं तो सुबह से घूम रहा था खाने पीने के लिए, ढूंढ रहा था, अब मेरे को मिला है ना, तो अभी कहता मैं चलता हूँ यार, दूसरा चला अब। कहता तू खा ले यार। लेकिन वो भी कुत्ते हैं जो लोगों के घरों में रहते हैं, जो उनके बेड में सोते हैं, जिन्हें वो नहाते हैं, अच्छा अच्छा खिलाते हैं, उन्होंने डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। और ये जो डॉगी जो है ना, ये गलियों के जो बादशाह हैं, अपने अपने गली में, कहते हैं ना कुत्ता भी शेर होता है, ये भाई कुत्ते हैं। देखिए हमारे जो शहर के लोग हैं, उन लोगों ने कुत्तों को घर में पाल पाल करना अपने वाली बीमारियां लगा ली हैं। कोई कुत्ते को किडनी का रोग हो गया, किसी कुत्ते को हार्ट का रोग हो गया, किसी कुत्ते को ब्लड प्रेशर हो गया, किसी कुत्ते को दिखना बंद हो गया। जो बीमारियां थी ना सारी कुत्तों को हमारे आदमी वाले लग गए, क्योंकि हम आदमी उसे खाने के लिए ऐसी चीज़ें देते हैं जो उसके शरीर के लिए नहीं, और उसे घूमने के लिए नहीं, हम कहीं लेकर जाते हैं। ये कुत्ते गली वाले जो है ना, मोहल्ले वाले जो हैं, गाँव वाले हैं, जगह जगह घूमते हैं, जगह जगह जाकर मटर गस्ती करते हैं। लेकिन घर वाला कुत्ता जो सुबह से लेकर शाम तक जैसे लाला जी घर पर लेट रहते हैं, वैसे ही लेट रहता है। बीमारियाँ भी उनकी अनोखी हैं और डांट भी उनके पास हैं। लेकिन वो कुत्ता चला गया, जब वो बैठ गया सामने जाके, कहता भैया तू खा ले मेरी खैर है। कहने और दिखाने का सिर्फ यही मकसद था कि ये गली के जो कुत्ते हैं, जो कुत्ता होता है, परमात्मा ने जिसको एक ड्यूटी सौंपी है कि गांव में रहो, गांव की, मोहल्ले की और घर के द्वार की पहरेदारी करो, तो ये कुत्ते हैं किसी न किसी चौकट पर बैठे रहते हैं। लेकिन एक वो कुत्ते हैं जिन लोगों को लोगों ने घरों में पाल रखा है, 24 घंटे घरों में रहते हैं, एक या दो दफ़ा दिन में उसे बाहर निकालते हैं, उन्हें उसी तरह की बीमारियां लगी जिस तरह की सेठ लोगों को लगी हुई हैं। हेलो, और देखिए जगहों का इस समय क्या माहौल है। बात तो कुत्ते के कर रहे थे, कुत्ते जो गली के कुत्ते होते हैं ना, गाली जा रहे कुत्ते साले, गली के कुत्ते, आराम ज्यादा कुत्ते, गालियां कुत्तों की बनी हुई हैं। और देखिए जहाँ पर मैं अभी आया हूँ आपको दिखाने के लिए, ये रात का वक्त हो रहा है, गांव में खड़ा हूँ,
कुत्ते से अभी मिले हम लोग, गांव के कुत्ते, शहर के कुत्ते, कितना फर्क है भैया। शहर के कुत्ते जो होते हैं लोगों के घरों में रहते हैं, उनकी लॉबी में रहते हैं, उनके ड्राइंग रूम में रहते हैं, और ये जो कुत्ते हैं लोग धत्कारते चल कुत्ते भाग जा, जो ये कुत्ते हैं ना इनकी ज़िंदगी कुछ और ही तरह की है। तो मैं जहाँ पर चलते चलते आपको कुत्तों से मिलाने के लिए चल पड़ा। अरे हमारा तो यही काम होता है, जहाँ जाते हैं कुछ देखते हैं, वही दिखा देते हैं आप लोगों को, सब चीज़ देखने को मिलती है ना। कुत्तों को रखने से पहले घर में सोच लेना चाहिए कि उनकी जगह कहाँ पर है। आप लोग उसको किस सोच के साथ घर में रखते हैं, प्रभु ने उसको कौन सी ड्यूटी सौंपी है जो कुत्ते को, और आज उसका जो इतना वक्त बदल गया है कि वो लोगों के बेड में बैठने लग गया, कोई उसे दहलीज में नहीं बैठने देता था, चल कुत्ते भाग, चल कुत्ते भाग, हरामजादे कुत्ते, गालियां कुत्तों की बनी हुई हैं। लेकिन भैया सोचना होगा आपको इसके बारे में। मैंने तो सिर्फ ये थोड़ा सा एक इस समय स्टार्टिंग की है अभी कुत्तों के बारे में, और आगे थोड़ा सा इसको बढ़ाना होगा, PhD आपने करनी है। हमने तो शुरुआत की है कि कुत्ते क्या चीज़ होते हैं, बस इतना पता लग गया है। आप ये देखिए उस घर के आगे जाके बैठेगा, हर घर में जाता है ढूंढने के लिए, कुछ ना कुछ कुछ मिल जाएगा। चलो ठीक है, चलिए मैंने जो भी दिखाया आपको कि कुत्ते जो होते हैं उनकी जगह घर के बाहर होती, गली में होती है, बेडरूम में नहीं होती, ध्यान रखना जरा, सोच के देखना, चल कुत्ते भाग जा, यही उसकी जो निशानी है। धन्यवाद।